आगे चलते हैं। वो चारकोल एशेज वाला टेक्सचर थोड़ा सा रह गया था, उसको भी क्रम्बल कर ही लेते हैं। ये देखें, ऊपर उसके पेस्ट है तो वो इसका क्रस्ट कैसे खत्म करूं? ये सही है। मेरा ट्राइपॉड भी किधर किधर घूम जा रहा है। मज़ेदार, मज़ा आया इसकी क्रमलिंग करके। अच्छा आगे चलते हैं, वहाँ पे प्योर मट टेक्सचर पड़ा हुआ है, इसकी क्रमलिंग करते हैं। ये मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे रख दिया था, मैंने सोचा कि इसको इधर ही रहने देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना ये बड़ा मिक्स होता है। बहुत गर्म भी है और अच्छा भी है, काफ़ी गर्म टेक्सचर है। जल रहा है ऐसे जैसे जल रहा होता है। ठीक हो गया, इसकी भी क्रमलिंग हो गया। अब हम रेड रेड की तरफ चलते हैं। रेड 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 रेड, ये वाला टेक्सचर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने हैप्पी लाइफ व्लॉग चैनल पे जो है ना
इसका एक रिजल्ट दिखाया है मैंने, हालांकि ये बस आप लोगों को दिखाया था ना कि जो स्टोन्स क्रश किए हैं ना मैंने वो इसमें ऐड किए, और अब जो है ना इसका मैं आपको एक और क्या मतलब कि क्रम्बल करके दिखाती हूँ दोबारा से ना। शुक्र है कुछ बैठने के लिए मिला है मुझे। टू मच डस्टी और सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट टेक्सचर मेरा कोई भी नहीं है जितना ये है। धूप पीछे करके दिखाती हूँ आपको इसकी डस्ट, धूप पीछे कह रही हूँ अम्ब्रेला, ये चेक करें यार यहाँ कितनी ज़्यादा इसकी डस्ट है। ठीक है, फिर तो उसके अलावा ये वाली शेप्स भी मैंने आगे क्रम्बल की है, मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, इसका एक चंक क्रम्बल करते हैं, ये वाला ना ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलो ये मड की क्रम्बलिंग करके दिखाऊंगा आपको। मैं भूल ही गई हूँ कि मैंने मोबाइल ट्राईपॉड पर लगाया, मैं एक हाथ से भी क्रम्बलिंग कर सकती हूँ। दूसरे हाथ में अम्ब्रेला पकड़ते हैं, आज आप लोग बताएं आप लोग किस हैंडेड कह रही हो कौन से हैंड से लिखते हैं, लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है, ठीक है कमेंट करके बताइएगा। ये छोटे छोटे लम्स जो है ना ऐसे ऐसे करने का बड़ा मज़ा आता है। इसकी भी क्रम्बलिंग करते हैं, इसको मैंने छुआ ही नहीं। बारिश से ये भी अकड़ गए। ये इसका ना एक नुकसान ये है कि इसका लिक्विड सेपरेट कर दो तो ये टेक्सचर बचता नहीं है, अगर टेक्सचर बचेगा नहीं तो फिर शेप्स कैसे बनेंगी। ज़्यादा मसला बहुत है, मसला फीसा कोर्स। ये शहज़ादा टेक्सचर है,
आज इसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। सही हो गया जनाब। और कौन सा टेक्सचर रह गया? और ब्लैक डर्ट रह गया, ब्लैक डर्ट। हाँ, ब्लैक डर्ट की क्रमलिंग करनी थी। ये बड़ा हुआ है ब्लैक डर्ट का टेक्सचर। ये बाउल में ही क्रम्बल कर देते हैं, ये वाले बाउल में ना, क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी ब्लैक डर्ट है। ये देखिए, सो जनाब, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप लोग कर दें, कि इतनी गर्मी में, इतनी धूप में और इतने रोज़े में हम लोग आप लोगों के लिए व्लॉग्स बना रहे होते हैं, तो आप लोगों का काम बनता है ना, आराम से बैठे हुए आप लोग बस जब देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट भी लास्ट में कर दिया करें, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में शेयर कर दिया करें, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। जल्दी से इंशाल्लाह आप 7K करवाएँ आप लोग, ताकि हम लोग जो है ना अपना क्या उसको कहते हैं चैनल को जो है ना और ज़्यादा मज़ीद जो है ना दूसरों तक पहुंचाएं, और उनको भी पता हो क्रम्बलिंग क्या होती है, और फिर वो भी इंजॉय करें आप हमारी क्रम्बलिंग। सही हो गया। आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये मेरे पास जो है ना कुछ लिक्विड है, ठीक है। ये ना, ये तो गलती से इसमें डल गया, ये लिक्विड पता नहीं किस टेक्सचर से मैंने निकाला था ये लिक्विड, ये देखो, ये वाला भी लिक्विड है, ये ज़्यादा है, ये आई थिंक सो वाइट सैंड में से लिक्विड निकला था, तो इसके ये हालात हैं। हाँ, वाइट सैंड, वो वाइट और स्टोनी वाले टेक्सचर में से। मुझे ये था कि ये सॉफ्ट होगा, पर ये हार्ड है लिक्विड, ठीक है, इसलिए टेक्सचर्स भी हार्ड हो जाते हैं। सो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, बाबा टाटा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। व्लॉग अच्छा लगा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करते, बाय बाय।